सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों नमस्कार। इंडियन ज्योग्राफी के आज इस तीसरे दिन जो हम टारगेट है हमारा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज का टॉपिक। और इस क्या क्या टॉपिक हैं और कैसे आपको तैयार करना, कहाँ से सवाल आते हैं, ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा समझाऊँगा। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बताऊँ कि अक्सर करके हम ये सोचते हैं कि कोई हमें तैयार कराए, कोई हमें पढ़ाए, कोई हमें समझाए, तब हम समझेंगे। जहाँ तक मेरा मानना है कि हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम खुद न समझना चाहें। जब तक हमें ये लगेगा कि हमें कोई समझाएगा तभी हम समझेंगे, तब हम डिपेंडेंट हो जाते हैं और तब हमें लगता है कि हम अपने आप नहीं कर सकते। चूँकि मैं खुद तैयारी किया, बिना किसी कोचिंग के मैंने पढ़ा, और सच कहूँ तो मुझे कभी भी ये नहीं महसूस हुआ कि कोई मुझे समझाए। हाँ, हालांकि कोई व्यक्ति समझाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत फ़र्क पड़ता है। जो चीज़ आप 2 घंटे में पढ़कर सीखते हो, यदि कोई विद्वान आपको टीचर मिल जाता है तो वो आपको 2 घंटे की बजाय वो हो सकता है 10 मिनट में ही आपको पूरा समझा दे, बात ही नहीं। लेकिन यदि आपके पास कोई कोचिंग नहीं है, आपको कोई पढ़ाने वाला टीचर नहीं है, और तब आप सोचो कि यार हम तो तैयारी कर ही नहीं सकते, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आता। सच तो ये है कि आपको अपने दिमाग के दरवाजे खोलने पड़ेंगे और ये समझना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति जो है ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति जब ये कोशिश करता है कि उसे समझना है तभी वो समझता है। हम जब तक खुद नहीं समझना चाहते, हमें कोई कितना भी पढ़ा ले हम नहीं समझेंगे। तो इसलिए एक तो डिपेंडेंसी जो है, एक देखिए एक ऑफिसर को डिपेंडेंसी, आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं और आप जब एक ऑफिसर बनते हैं तो आपको सारे डिसीजन खुद लेने होते हैं। शायद ही अदा कदा आप किसी के ऊपर डिपेंड होकर डिसीजन लेते हैं, नहीं तो मानकर चलिए कि सारे डिसीजन आपके अपने होते हैं। तो आपको एक सेल्फ डिपेंड ऑफिसर बनाया जा रहा है, व्यक्ति बनाया जा रहा है, तभी एक आप ऑफिसर बनने लायक बनते हैं। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा उस मोड से बाहर लाइए कि हमें पहले कोई समझाए तब हम जो है हमें ये समझ में आएगा, हमें याद होगा। आप कोशिश करिए, थोड़ा सा दिमाग मारिए, बार बार पढ़िए, कोई बात समझ में नहीं आ रही 3-4 बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। और थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, चूँकि टारगेट आपका बड़ा है, सच में टारगेट आपका बहुत बड़ा है, और आपके पास जो अवसर हैं वो बहुत तेज़ी से, समय जो है बहुत तेज़ी से सरक रहा है, आपको मालूम भी नहीं पड़ता, और समय जो है वो बिल्कुल रेत की तरह निकल जाता है। इसलिए स्पीड तो आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए, और जो टारगेट मैं दे रहा हूँ एनी हाउ उसको कंप्लीट करना है। ये वीडियो जो है जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ये आपके लिए आगे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे तैयार करना है, कहाँ से सवाल आता है, तो आपके लिए ये आपको हमेशा अपने पास संभाल के रखने हैं वीडियो, ताकि आपको आगे भी ये मार्गदर्शन देते रहें। तो आइए आज हम शुरू करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में। कल मैंने आपको जो पर्वत श्रेणियां थी वो मैंने करा दी थी भारत की। आज का जो हमारा टारगेट है वो रिमेनिंग है, जो बाकी 4 चीज़ें रह गई थी। तो इसमें सबसे पहले उत्तर का विशाल मैदान है। उत्तर के विशाल मैदान से जनरली सवाल कम आते हैं, लेकिन फिर भी टर्मिनोलॉजी के सवाल आ जाते हैं कि भाबर क्या है, तराई क्या है, बांगड़ क्या है, खादर क्या है, रेह क्या है, भूड़ क्या है। तो इनकी जो एक एक दो दो लाइन में डेफिनेशन आप जो है वो दिमाग में बिठा लीजिए कि आखिर ये होते क्या है, ठीक है। अक्सर करके यहाँ से सवाल नहीं आते, लेकिन टर्मिनोलॉजी के सवाल आए हैं। उसके बाद तटीय मैदानों की हम बात करते हैं, तो पश्चिम तटीय और पूर्वी तटीय, तो ये आप मैप में देखिएगा। तो पश्चिम तटीय में जैसे गुजरात तट है, कोंकण तट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। मालाबार तट है, कन्नड़ तट है, तो ये कहाँ से कहाँ तक हैं ये आपको मैप से याद करना है, आपको इससे चीज़ें समझ में आएंगी। तो आप जो है मैप में ही लाइन बनाकर देख लीजिए कि कहाँ से कहाँ तक जो है वो कन्नड़ तट है, कहाँ से कहाँ तक मालाबार तट है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक कोंकण तट है। इसी तरीके से पूर्वी तट की हम बात करें तो उत्कल का मैदान, ठीक है, काकीनाड़ा, कोरोमंडल तट, ये तो कई बार पूछा गया, कोरोमंडल तट, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम द्वीप समूहों पर, तो हम अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार में उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, ठीक है, मध्य अंडमान, इन तीनों को कौन कौन रेखाएं अलग करती हैं, ठीक है, इनके साइज़, इनकी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, इसके अलावा जो कि सैडल पीक है, इसके अलावा दो ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं वहाँ, नारकोंडम और बैरन, जो ये तो सुषुप्त है, ये जागृत है बैरन,
तो ये कहाँ कहाँ हैं ये आप तैयार कर लीजिए, ठीक है, इनके सबसे ऊंची चोटी तैयार कर लीजिए। इसी तरह से लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की भी सर्वोच्च चोटी आपको याद करनी है। उसके अलावा अन्य इम्पोर्टेंट जो द्वीप समूह हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, जैसे कि पंबन द्वीप है, श्रीहरिकोटा, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, व्हीलर द्वीप जिसे हम अब्दुल कलाम द्वीप भी कहते हैं, तो इन दोनों द्वीपों के बारे में विशेष रूप से आपको अध्ययन करना, श्रीहरिकोटा और व्हीलर के बारे में, क्योंकि ये दोनों ही जो है हमारे द्वीप बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और कहाँ हैं क्या हैं इनके बारे में पूरा डिटेल में आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों द्वीपों पर आपका जो है आज विशेष जोर होना चाहिए। इसके अलावा जो भी और द्वीप बचे हैं वो आप तैयार करेंगे। तो आज का ये टॉपिक, ये मैंने आपको बहुत इम्पोर्टेंट, यदि आप इतना भी कर ले रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आप 90% आप सिलेबस अपना निपटा ले रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की। तो इसमें जो पठार हैं उनका केवल अध्ययन करना, यहाँ से सवाल अक्सर करके नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आपको जो है चूंकि एज ए ज्योग्राफी स्टूडेंट तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो मालवा का पठार क्या है, छोटा नागपुर का पठार सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से ज़्यादातर हमें मिनरल सोर्स मिलते हैं, तो छोटा नागपुर पर आप थोड़ा सा विशेष ध्यान दे दीजिए। इसी तरीके से मेघालय का पठार है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद दक्कन का पठार, महाराष्ट्र का पठार, दंडकारण्य, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि आप रामायण काल से इसका संबंध है दंडकारण्य में। उसके बाद कर्नाटक का पठार, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पठार हैं जो मैंने आपको दिए हैं आज याद करने के लिए। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट छोटा नागपुर और दंडकारण्य एग्ज़ाम की दृष्टि से, ठीक है। तो ये हमने फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ख़त्म किया आज। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, समय मिले तो ज़रूर इसको आज ही निपटा दीजिए, वो है जलवायु क्लाइमेट का। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जलवायु को यानी क्लाइमेट को इफ़ेक्ट देने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, ठीक है। अक्षांश है जैसे मतलब लेटिट्यूड है, ओके, हिमालय है, और भी जो भी समुद्र से दूरी है, तो जो जो भी फैक्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि इससे चीज़ों को आपको समझने में मदद मिलेगी कि वर्षा जो है वो किस तरह से होती है, क्योंकि वर्षा कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो वो सारे फैक्टर यदि आपको नहीं पता होंगे तो आप नहीं पता लगा पाएंगे, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि एक ही मतलब एरिया में कहीं बारिश ज़्यादा होती है कहीं कम होती है, तो ये यूं ही नहीं होती, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, तो वो रीज़न आपको ये फैक्टर से समझ में आएंगे। इसी तरीके से आपको दोनों जो ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकालीन मानसून को जो है वो आपको इसका तुलनात्मक अध्ययन करना है कैसे होता है। तो इसी तरह से मानसूनी वर्षा जो होती है मानसून में कैसे होती है, कहाँ से मानसून शुरू होता है, इसको आप मैप से करेंगे, मैप रख लीजिए सामने। अब आप देखना शुरू करिए कि कहाँ से जो है वो मानसूनी पवनें जो हैं वो बनकर चल रही हैं, ठीक है। और दो तरीके की मानसूनी वर्षा होती है, अरब सागर से उठने वाली और बंगाल की खाड़ी से उठने वाली। तो यहाँ से सवाल जो है वो अक्सर करके बनते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि आज जो आपको करना है कि जो मानसूनी हवाएं हैं वो किस तरह से आगे बढ़ती हैं और कहाँ कहाँ वर्षा ज़्यादा करती हैं। हर स्टेट में जो तैयारी करने वाले एस्पायरेंट्स हैं वो अपने अपने स्टेट की भी आप ये याद करिए कि कहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, कहाँ सबसे कम होती है। तो न केवल इंडिया का आपको याद करना है कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, इसी तरीके से शीतकाल में भी आप याद करना कि मतलब विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। इसी तरीके से आपको अपने स्टेट का, जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो गोरखपुर में होती है, सबसे कम मथुरा में होती है ना। तो अपने अपने स्टेट का भी आपको याद कर लेना है, ठीक। तो ये आपको आपको तैयार करना है। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दूँ जो मैंने बोर्ड पर नहीं लिखा है, वो है कि कुछ टर्मिनोलॉजी जो रिलेटेड है, जैसे नार्वेस्टर है, जैसे आम्र वर्षा है, जैसे मतलब ये जितने भी हैं है ना, काल वैसाखी है, तो ये सब क्या हैं इनके बारे में आप एक बार इन छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी को ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि अक्सर करके सवाल यहाँ से आते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, ठीक है, लेकिन ये है बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो इसी तरीके से लू भी एक बार, लू के बारे में भी पढ़ लीजिए, ठीक। तो ये आपका तैयार हो गया, और ये आपको मैप से तैयार करना है, मैप से तैयार करना, थोड़ा सा मैप को सामने रखिए कि कैसे हवाएं कहाँ चल रही हैं, क्यों चल रही हैं, वो आपको समझ में आएगी फैक्टर से कि वो क्यों चल रही हैं, ठीक है ना। और जो शीतकालीन वर्षा होती है जिस है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम के साथ साथ जो है वो एक किसानों के लिए तो एक तरीके से अमृत वर्षा है। तो आपको जो है इसके बारे में बहुत गहराई से अध्ययन करना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का टारगेट आप पूरी ईमानदारी से तैयार करेंगे, अगले टारगेट के लिए इंतज़ार कीजिए। नमस्कार दोस्तों।
सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले।